बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोंदू तलुबुक का जो बालाई हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, आज यहाँ पर आने का मौका हुआ। वाकई इस खूबसूरत जगह को देखकर मैं खुद हैरान हुआ कि ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसी खूबसूरत जगह को नहीं देखा। और यहाँ पर सयाह के लिए बहुत बेहतरीन सैरगाह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर मौजूद जो कुदरती वसाइल हैं उनको देख के इंसान को अला कुल्ली शेयिन क़दीर उस ज़ात की कुदरत और हिकमत पर यकीन आ जाता है। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इंतहाई खूबसूरत दरख्त हैं और कीमती जंगलात मौजूद हैं, और साथ में बहुत खूबसूरत अंदाज में वाफिर मकदार में पानी मौजूद हैं, बह रहा है पानी हर जगह से। और इन एरियाज़ को सरसब्ज़ करने की मुकम्मल यहाँ पर जो है वसाइल मौजूद हैं, गुंजाइश मौजूद हैं। और आज इतनी बुलंदी पर आने के बाद ताजुब हुआ कि यहाँ तलुबुक के कुछ जवानों ने इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इसी नाले के साथ में वहाँ पर जो है नर्सरी की शक्ल में बाकायदा जाल जो है अपने कंधे पे उठा के ला के यहाँ पर जो है नर्सरी की शक्ल में उन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन जो है क्या कहते हैं जगह फराहम की है। तो मैं जनाब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर जंगलात साहब, और साथ साथ हमारे और एक खुशकस्मती यह है कि हमारे वज़ीर सयाहत जनाब राजा अली ख़ान अब्दुल्ला साहब का राजा नासिर अली ख़ान अब्दुल्ला साहब का भी ताल्लुक इसी रोंदू से है, और शायद उन्होंने इस जगह को देखा हो, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनसे भी दरख्वास्त है कि आप पहली फुर्सत में इस खूबसूरत जगह को आके देखें। और वज़ीर आला साहब भी इस खूबसूरत जगह अगर मसरूफियात से वक्त निकाल के अगर इस बेहतरीन जगह को देखने के लिए अगर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे राजा ज़करिया साहब, ये तो सब कुछ ये जो नज़र आ रहे हैं सब कुछ राजा ज़करिया के ही हैं, कि पारस के मिनिस्टर हैं और सीनियर वज़ीर भी हैं। तो हमारे तमाम वज़रा और वज़ीर आला इन सब से दरख्वास्त हैं कि इसके ऊपर जो है पूरी तवज्जो दे दें और इस खूबसूरत जगह को मज़ीद सरसब्ज़ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और सयाह और लोगों की रसाई को यहाँ तक आसान और मुमकिन बनाने के लिए जो है कोशिश करें। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सके हम भी इसके लिए कोशिश करें।